ओके तो सॉरी, मैंने सोचा कि मैं आज ब्लॉग बनाऊंगी और मैं सिर्फ भूल गई, और सडनली मुझे कपड़ा धोते धोते याद आया कि मुझे ब्लॉग बनाना था आज, क्योंकि आज एक बहुत ह्यूज इवेंट है मेरा और बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, डेलिब्रिटी कह रही हूँ, सॉरी एक्ट्रेस आ रही हैं बहुत सारी दुबई से, बहुत सारे सूफी सिंगर्स आ रहे हैं जो सूफी सॉन्ग गाते हैं, गजल गाते हैं, और कॉलेज में इवेंट हो रहा है। और मेरी अभी हालत पर मत जाइए क्योंकि मैंने अभी बहुत सारे कपड़े धोए हैं, घर का काम कर रही हूँ 5:30 बजे से उठ के, क्योंकि मॉम है नहीं अभी, तो सारा काम करके जाना है। दो भाई हैं, दोनों के लिए नाश्ता खाना पापा बना के धुल दिए, इसमें काम हो रहा है, और मैंने अपने बोल्ट को भी धुल दिया नहा के यहाँ पर बैठा हुआ है नो, और अब ये मैं इसको वाइप करूँगी, ये यहाँ रहेगा फिर मैं अपने प्लांट्स को। वैसे मैं थीम बताना भूल गई, थीम है मेरा थीम एक्टर, बेसिकली मैं परफॉर्मेंस करती हूँ, तो लेकिन मैंने सोचा कि हमेशा डांस तो यार हर कोई देखता है और देखा हुआ है और आगे भी देखता रहेगा, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं, जो जैसे ये सोशल वर्क कर रहे हैं वैसे मैं भी कुछ सोशल मैसेज दे सकूँ, तो मैंने एक थीम एक्ट तैयार किया सेफ गर्ल चाइल्ड। क्यों रो रहे हो भाई, नहा लिए तो? भैया बहन है ना, ये यहीं रहेगा क्योंकि इतनी शैतानी करता है ना। ए, कहाँ? नो नो, देखो उसकी बदमाशी के चक्कर में मैं भूल गई, ये ऑन करना भूल गई मैं ना, ये दिमाग खराब करता है ना लड़का। आया तो उठा पटक देंगे, ये देख रहा है, चुप। ये मेरे बच्चे खा पी के बिल्कुल रेडी हैं। क्या करोगे जाके भैया, है ना बाहर में को भी जाना, चलो जाओ। तो न्यूज़ देख करके अभी मेरे जो पड़ोस में भाभी और आंटी लोग हैं, तो मम्मा है नहीं, तो वो बड़ा इंटरेस्टेड कि वो भी जाएंगी, तो अब हम यहाँ से हो गए टोटल 8 जने। काम ख़त्म फाइनली बाय ऑफिस, शुड ऑल अवे कॉल कोचिंग। मैं अब थोड़ा पूजा वूजा करके मंदिर नाश्ता वास्ता करके कॉफ़ी वॉफी से थोड़ा रेस्ट मोड में हूँ, क्योंकि टाइम मैंने सोचा मैं वहाँ जाके रेडी होंगी, पर रास्ते में ट्रैफिक वगैरह भी हो सकता है, और एग्जैक्ट 3 बजे हमें वहाँ रिपोर्ट करना है, और 3:30 तक कुछ बैलेंस, क्योंकि 3:45 में मेरा परफॉर्मेंस है, और ये फिक्स टाइमिंग के साथ सबका है, क्योंकि 6:10 और 6:30 तक में भी ये सब कुछ वाइंड अप होगा, और इसलिए मैं प्रिपेयर होने जा रही हूँ। दिस इज़ माई ड्रेस, जो मेरी एक बहुत प्यारी सी स्टूडेंट, और मेरा और मेरी मम्मी की खास बात है कि हमारे में सारे साइज़ के कपड़े आ जाते हैं, मतलब स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल। दिस इज़ माई ड्रेस, ये मेरा मेकअप करूँगी अभी बेबी वाला, लेट्स। तो ये अभी मैं हाफ रेडी हूँ, ये मेरा गर्लिश लुक है, मतलब ये जाएगा नॉट पीछे, तो क्योंकि बांधने के लिए ना सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ इस टाइप से आएगा। बाकी आई होप मेरा बच्चे की तरह आ जाए, मैंने सारे ऑर्नामेंट्स खोल दिए, क्योंकि ये इमेजिनेशन वाली डॉल टाइप की एक लड़की है जिसका एक्ट में प्ले करूँगी, और चरण स्पर्श आप सबको प्लीज़ आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। बस 1 बज चुका है, बजने वाला है शार्प 2 PM, और आएगा हम उसमें बैठेगा और साथ में सबको बैठाएगा और लेके जाएगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक,
अभी आ चुकी है एग्जैक्ट 2 बजे और टैप है बाबा कर रहे हैं। ये मेरी सैंडल और मेरा पर्स। भाभी मैं साहब के साथ व्लॉग भी बना रही हूँ। आंटी कहाँ है? अच्छा मम्मी उधर से आ जाओ। बताइए कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे। चले जाएंगे हम जाते ठीक है। हाँ तो बस मार देंगे ना। दोबारा बोलो आंटी क्या था? अच्छा रोल मिलेगा ना। बोलना आंटी दोबारा बोलो। सपना था आज मैं इस देखू कब से एक बार यहाँ जिम में आता तब भी मम्मी ने बोला था चलो देख के आते हैं। ये लेकिन ये जब आप जा रहे हो तो बहुत अच्छे अच्छे जगह पे जा रहे हो। तो उनके कर्तव्यों से। तो कृपया
सोना जी आ जाए, उसके बाद में हमारे बीच में जो की बहुत जल्दी भी हमको प्रोग्राम करना है, क्योंकि ये जो कॉमर्स से ब्रेक जो है मैं गलियों के बीच में नहीं आना चाहता। मैं सारा नेटवर्क के जो हमारे सचिव साहब से भी अनुरोध करूंगा, आप सब लोग आ जाए तो बहुत जल्दी जल्दी हम इसका निपटाते हैं, क्योंकि फिर हम सुनेंगे रुए। ऐसी एक्ट्रेस होगी जो खुद ऑफर कर रही है, कोई शर्मा रहा है, डर रहा है, तो भी ये है गोल्डन हार्ट। ये प्रिटी सी लड़की आज छोटी सी बच्ची लग रही है और बहुत बड़ा एक्ट किया है आज। कॉलेज में आएंगे स्टाइल मारते हुए, इसलिए बीकानेर से कुछ चोरी करके जा रही है ये लड़की। क्या है ये आंटी? आइए इसके साथ फोटो ले लो, वीडियो तो बना लो। मैंने आज इंटरव्यू लेना सिखा दिया बनिया ब्रदर। ये मेरा लेने आए थे इंटरव्यू दे के जा रहे हैं ये। ये आइए, क्या नाम है आपका? ऋतिक। ऋतिक मेरे स्पेशल डिमांड पे आए थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ऋतिक को लेकर के आना प्लीज, नहीं तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। विकास जी बुरा मत मानना, नेक्स्ट शो में जरूर मिलेंगे और आप आओगे। आप और ऋतिक आना, इनको छोड़ दो। आए बॉम्बे से, कौन सी ट्रेन पकड़ के? गोल्डन टेम्पल ट्रेन है क्या? गोल्डन टेम्पल ट्रेन से ये आए हैं मेरे लिए, और इन्होंने शो नहीं देखा लेकिन मेरा घाव देख, बट मेरा खर्चा हो गया और घाव देख लिया मैंने खर्चे में, पता तो मोहर बेटा पता यहाँ नहीं आता। भैया से मिला, कैसे हैं भैया? आपको तो बहुत तारीफ कर देंगे, आप सुंदर है। मेरी मैं एक्चुअली हूँ ये बहुत सारे से ऊपर हूँ। हाँ जी, नहीं एक्चुअली घर नहीं जा रहे, पता नहीं जा रही, उनसे मिल के आऊँ। यही तो पूछ रहा हूँ, वेरी गुड, यही बना रहा हूँ। मैं घर जाऊंगी, ड्रेस चेंज करूंगी, फिर आप लोगों के साथ में हूँ। कौन से घर जाऊंगी? अपने घर। रोहिणी पागल है, तुम यहाँ से देख रही हो कितनी दूर है रोहिणी? मम्मी ने तो घर आऊंगा। अब हो गया, हम मुंबई। बोलो क्या बोलो? अभी बीच में मैं हूँ। चलो चुपचाप यार, चलो बैठी आप ठंडे में बैठी। पानी 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 कोल्ड ड्रिंक समझो? नहीं
चलो हम पीछे आ रहे हैं। फोन दे दे भाई।